सो ट्वेल्थ के एग्जाम्स आपके अभी अभी ओवर हुए हैं और आप सीए को परस्यू करने का सोच चुके हैं, बट आप चाहते हैं सीए फाउंडेशन को यूट्यूब की ही हेल्प से क्लियर करना। तो इस पूरे महीने मैं आपके लिए लेके आया था वो टीचर्स जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दो वीडियोस पहले आ चुकी हैं, ये थर्ड वीडियो है। इधर या इधर किसी एक साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप उस पर जाके और दो सब्जेक्ट जो बन चुके हैं जिसमें से अकाउंट्स और मैथ्स है वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में कि यूट्यूब पर फ्रीली फ्री ऑफ कॉस्ट कौन अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और किसकी हेल्प से आप सीए फाउंडेशन को क्लियर भी कर सकते हैं। सबसे पहली फैकल्टी जो है मनीष वोहरा सर, जो अनअकैडमी पे बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने मेरे को ये अच्छी लगी कि वो जो डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, मतलब वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होता है जो वो बोलते हैं, जैसे वो समझाते हैं साइड बाय साइड, वो मार्क भी करवा के चलते हैं कि यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, और वो एमसीक्यूज सही में बनते हैं। साथ ही साथ में वो अपने नोट्स भी लिखवाते हैं जैसे कि रिवीजन के टाइम पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जो वो मार्क करवाएंगे उसको शॉर्ट में वो नोट्स में भी लिखवाएंगे। अगर आप उनके साथ साथ लिखेंगे तो आपको अपने रिवीजन टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर में नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके पास एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी होगी, बस उसी से ही पढ़ना होगा। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए काफ़ी अच्छे लगे वो सर, तो मैं आपको उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप एक बारी ज़रूर से उनका चैनल चेक करिएगा, अगर आपको वो पसंद आए तो उनसे आप ज़रूर पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो बीसी के सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स में ही, तो वो भी मनीष वोहरा सर जी पढ़ाते हैं और वो साथ ही में ही नोट्स लिखवाते हैं और मार्किंग तो करवाते ही हैं, जिसमें से कभी कभार काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी भी आ जाती है पेपर में, सेम टू सेम उठ के वैसा ही। तो मेरे को वो थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगे कि उन्हीं का ही बताया हुआ आ रहा है पेपर में, को अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी वो आपको दे पा रहे हैं तो एक बारी ज़रूर से चेक कीजिएगा। मैं सारे लिंक्स इस वीडियो के टीचर्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे ज़रूर से एक बारी पढ़ के देखिएगा, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप उनसे ही पढ़िएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड फैकल्टी जिससे मैंने खुद पेड क्लासेस ली थी, बट वो यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे को एंड टाइम में जब मैंने उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे तो वो सेम ही कंटेंट था वैसा ही, बट थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज थी। साथ ही में उनके फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो उसमें सब कुछ कवर हो रहा था, फास्ट ट्रैक में तो और ज़्यादा कवर होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा आसान आता है और इकोनॉमिक्स में मोस्टली पार्ट हम पहले पढ़ चुके होते हैं, बीसीके में नहीं पढ़ा होता है। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए हर्षद जाजू सर को एक बारी रेफर कर सकते हैं मेरे कहने पे, आप उनकी वीडियोस देखिएगा, उसके बाद अगर आपको पसंद आए वो तो आप उनको ज़रूर से चूज़ कीजिएगा एज अ मेंटोर, क्योंकि वो भी जो नोट्स बनाते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और साथ ही में उसमें से भी काफ़ी आता है, और जो उनका समझाने का तरीका है वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक है, मतलब कि वो स्लोली 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 हाई लेवल तक लेके जाते हैं लो लेवल से, तो आप उनको एक बारी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। साथ ही में हर्षद सर इकोनॉमिक्स में मॉड्यूल के एमसीक्यूज होते हैं उसका भी मैराथन लेते हैं और उसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। थर्ड फैकल्टी जो इकोनॉमिक्स फ्रीली यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। चंदन सर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के थ्रू काफ़ी कुछ हेल्प कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और इकोनॉमिक्स भी उनका एक वन ऑफ द मेजर हेल्प का पार्ट है। वो इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और वो काफ़ी लो लेवल से ही हर्षद जाजू सर की तरह हाई लेवल तक लेके जाते हैं एक तरीके से, और उनके जो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी इजी तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी एक बारी ज़रूर से चेक कीजिएगा, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब मैं बात करने जा रहा हूँ बीसीके के बारे में, क्योंकि पूरे टाइम पीरियड में जितना हमें स्टडीज़ के लिए मिलता है उसमें अगर हम बीसीके याद भी करना चाहें तब भी उतना रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीसीके में याद करने का बहुत ज़्यादा है। तो
तो अगर हम एंड टाइम में अच्छे से रिवाइज करें तो हमारे माइंड में बहुत कुछ बैठ सकता है बीसी के लिए, तो हमें अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मुरगेश मिदलानी सर बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका रिवीजन करवा रहे हैं अपने मैराथन के थ्रू बीसी के का, तो आप उनको ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। साथ ही में इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक गोल्डन टिप और देना चाहता हूँ, ये कि आप अपने मॉड्यूल्स के जो MCQs हैं उसको 3 से 4 बारी ज़रूर कीजिएगा, और उसको 3 से 4 बारी करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस कभी कभार काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में काफ़ी क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आए हुए थे डायरेक्ट, जो कि स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और एग्रीगेट आपकी काफ़ी आसानी से बन सकती है। सो यही थे कुछ टीचर्स जो YouTube पर फ्रीली अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है YouTube पे, बट मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा टीचर्स ही लेके आया हूँ जो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं। तो आप मुझ पे अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो इन टीचर्स को ज़रूर से चेक कीजिएगा और अपना डिसीज़न अपने आप लीजिएगा कि आपको किन टीचर्स से पढ़ना चाहिए। तो यहीं पर ही अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि होने वाला है लॉ। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।